कर्मचारियों की मौजूदगी के बीच उन्हीं के परिसर में घुसकर उड़ा ले गए देवदार के 28 स्लीपर, किसी को भनक तक न लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चकराता के कोटी कनासर की, जहाँ वन विभाग की चौकी में रखे देवदार के 28 स्लीपर चोरी हो गए। वन कर्मियों की तैनाती के बीच वन विभाग की चौकी से ही चोरी की इस घटना ने वन विभाग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब विभागीय अधिकारियों पर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि तकरीबन एक वर्ष पूर्व चकराता वन पर भाग में बड़ी संख्या में अवैध पातंग का घोटाला उजागर हुआ था। जांच के दौरान लगभग 4000 देवदार के स्लीपर अलग अलग जगह से बरामद किए गए थे। हद तो तब हो गई थी जब लोगों के घर के अंदर ही नहीं, पानी और सीवर टैंक में भी बड़ी संख्या में स्लीपर बरामद किए गए थे। उस दौरान वन विभाग ने 17 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और जो कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए गए थे उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन तकरीबन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है और दोषी आज भी आजाद घूम रहे हैं। उस दौरान जो स्लीपर बरामद किए गए थे उन्हें अधिकारियों द्वारा जंगलायत चौकी और कोटी कनासर वन परिसर में रखवा दिया गया था, जिसमें से वन विभाग की चौकी में घुसकर चोर 28 स्लीपर चुरा ले गए, जिसके चलते अब विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों पर मिली भगत जैसे गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। तकरीबन एक वर्ष पूर्व उजागर हुए घोटाले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अब इस चोरी में संलिप्त चोरों का खुलासा विभाग कब तक कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये सारा काम, सारी चोरी चकारी, सारी अवैध कटान विभागीय अधिकारियों की देखरेख में हो रही है। सबसे पहले तो ये लोग जो है जंगल में अपने सामने जंगल कटवा रहे, सब दिख रहा है। सारे बैरियरों से जो है खुले आम जो है लकड़ियां लाई गई, कोई बैरियर टूटा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब कुछ जागरूक मीडिया कर्मियों ने जब इसको उखेड़ा मामले को, उसके बाद जो है जितने स्लीपर्स आए हैं कुछ तो चकरोते लाए गए और कुछ जो है वहीं जो है अपने कर्मियों के सपुर्द में जंगल के अंदर ही सपुर्द कर दिए गए। वो स्लीपर अब जो है कम हो रहे, वही जो है वो कर्मचारियों के द्वारा उनको जो है बेचे जा रहे हैं, जो है अब चोरी से बेचे जा रहे हैं इन माफियाओं को। और वो उसको चोरी का बहाना, कोई चोरी की रिपोर्टें लिख देंगे। इतना ही नहीं, मेरे पास प्रमाण रखें कि जब ये छापेमारी खत्म हुई तो कर्मचारियों को कहा गया, जो फॉरेस्ट के जो फील्ड कर्मचारी, कि तत्काल जितने ढूंढे हैं जा करके सब हर बीट में गिन के आइए। उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी, पूरे ढूंढे उन्होंने गिन करके निशानदेही करके दिए। अब जब ये हो गया तो आजकल ये जो जब से जांच बैठी है, जिसको SIT बोलते हैं, ये फर्जी SIT, तब से जो है इन ढूंढों की संख्या घटा कर इसकी आधी पाधी दिखाने के लिए रिपोर्टें तैयार हो रही है। मेरे पास प्रमाण इस बात के जो है आजकल अभी फिर भी जंगल कट रहे हैं, अवैध जंगल कट रहे हैं, ये देख रहे हैं। मैं कर्मचारियों को, इनके अधिकारियों को अपडेट करता हूँ, आंख में पट्टी बांधे हुए और कान में जो है रुई डाले हुए हैं। जो है क्या करते हैं, जुर्माना काट दिया जी। किसी को भी पूछोगे, नहीं जुर्माना काट दिया हमने, तो जुर्माना काट रहे हो तो विकास नगर बैठ जाओ, सबके सब जंगल छोड़ दो, पूरे सबको कह दीजिए माफियाओं को, लाओ काट काट के लाओ और यहाँ जुर्माने की रसीद काट देंगे और ले जाओ जहां ले जाना है। तो अति हो गई, ये लोग जोनसार बावर का नाश करना चाहते हैं, जो है क्या कहते हैं, हमारी संपदा को खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों ने अभी तक 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट में कोर्ट में दाखिल कर दी। दो चार्जशीट जो नामजद हैं वो अभी दाखिल होने वाली है, एक दो दिन में वो भी दाखिल हो जाएगी, जांच पूरी हो चुकी है। कुछ अभी चार्जशीट ऐसे भी हैं जो अज्ञात के नाम जारी हुए, वो केस भी जल्द हम लोग सुलझाने में लगे हुए, कुछ सुराग मिलते हैं तो शीघ्र ही आपके साथ साझा करेंगे।